नमस्कार नमस्कार। दबंग ब्लॉगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मुलुंड के अंदर घाटीपाड़ा परिसर में उपस्थित हूँ। यहाँ पे कुछ बंधु मेरे इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ पे तारा देवी मंदिर का भव्य भंडारा का आयोजन कल हनुमान जयंती के अवसर पे यहाँ पे रखा जाता है। जात धर्म और मजहब से ऊपर उठकर ये सब लोग आपस में मिलके कार्य करते हैं। मेरे साथ में देखिए कुछ बंधु यहाँ पे इकट्ठा हैं। मैं अभी मेन गेट के ऊपर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और मैं अभी आपको तारा देवी मंदिर के बगल में जाकर वहाँ की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही सुंदर परिसर है। माता रानी के ऊपर इनका अटूट श्रद्धा है। इनको गांव देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लोग कोई भी शुभ कार्य करने के पहले माता रानी का आशीर्वाद लेने उनके मंदिर में जाते हैं। मैं आपको मंदिर के परिसर में अभी लेके चलता हूँ और वहाँ पे संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेन गेट बनाया गया है, यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं और ये रहा माता रानी के अंदर का भाग। देखिए कितना सुंदर माता रानी का दर्शन आप लोग को हो रहा है। ये तारा देवी का मंदिर है, बहुत सुंदर है ये और यहाँ की मान्यता उतनी ही दृढ़ है। यहाँ पे तैयार की गई है श्री हरि की रंगोली है, नवग्रह की रंगोली है, बहुत सुंदर रंगोली यहाँ पे बनाई जा रही है। अच्छे लोग हैं, जात धर्म और समुदाय से ऊपर उठ के लोग कार्य करने वाले यहाँ पे हैं, हमारे सामने यहाँ पे उपस्थित हैं और कल की पूजा की तैयारी आज यहाँ पे संपूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी है। हमारे साथ में कुछ मंडल के यहाँ पे जैसे हमारे रामू जायसवाल जी यहाँ पे उपस्थित है, कार्य करने में अग्रसर रहते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से कल का यहाँ का प्रयोजन है। और माता रानी का यहाँ पे भंडारा हनुमान जयंती के दिन हर वर्ष विगत कम से कम 40 से 50 वर्षों से यह कार्यक्रम लगातार यहाँ पे चलते आ रहा है। ये यहाँ के परिसर की कुल देवी भी अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने के पहले यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग इस परिसर में आते हैं। हमारे साथ में ये हमारे भाई पीयूष शुर्ती जी जो लगातार अपने याददाश्त के कार्यकालों से यहाँ पे जुड़े हैं तारा देवी की सेवा करने के लिए। ये हमारे कुटे साहब जो बहुत ही नेक दिल और सच्चे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, ये भी माता रानी का आशीर्वाद सदैव लेने के लिए तत्पर रहते हैं पूरे। और हमारे साथ में हमारे बंधु रवि उच्चल जी यहाँ पे उपस्थित हैं जो तन मन धन से माता की सेवा के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सबका दबंग ब्लॉगर की तरफ से इन सभी का हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। कल हनुमान जयंती का दिन है, उसी दिन यहाँ पे ग्राम देवी तारा देवी का जो भंडारा होता है उसके लिए सब सहयोगी मित्र मंडल का मैं हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ में ये राठौर जी यहाँ पे हैं जो हर तरफ से कार्य में अपना सहयोग देते हैं और बहुत से लोग हैं जिनसे हम कल मुलाकात करेंगे। और माता रानी की जय हो, सबका आशीर्वाद माता रानी का बना रहे, इसी के साथ मैं आप लोग का फिर मुलाकात करते हैं। अभी तो सब हो गया, हमारे साथ में भट्ट जी हैं जो पूजा के विधियों में तल्लीन है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये पूजा की विधि कैसे और किस ढंग से संपन्न होगी। मैं इनसे इनके मुख से दो मिनट के लिए सुनना चाहता हूँ। नमस्ते। आज दुर्गा माता का पूजा है, वास्तु हवन कर रहा है, वास्तु पूजा, ऐसे वास्तु बलिदान, ऐसे कलश आराधन, ऐसे हवन सब सेवा करने का, ऐसे वास्तु बलिदान सब करने का माता जी का। आप देख ही चुके हैं कितनी सुंदर रंगोली बनाई गई है यहाँ पे, बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ की। भूतराज नमस्ते। नमो घातपते नमो गणपते नम प्रणपते नमस्ते अस्तु लंबोधरायक दंताय विघ्नाशने नमाचिराशं नीलकंठमुमावतिं मृत्युंजयरुद्राय महाप्रार्थनाय समर्पयामि। ओं नमो भगवते कामरूपिणे महाबलाय नागाधिपते अनंताय नमः। वासुकी सुब्रह्मण्येश्वराय नमः प्रार्थनाय। ये निश्चित किया है कि इसी जगह पे इस बार माता रानी का जो भंडारा होता है हनुमान जयंती के दिन, ये पूरा बंदोबस्त सब लोग ने मिलकर इसी जगह पे किया है। मैं अभी यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं पूर्ण रूप से उनको जगह बहुत अच्छी
यहाँ पे मिली हुई है। कम से कम ये अंदर का और बाहर का भाग मिला के 2 से 3 हिस्से की ये जगह है। साफ सफाई यहाँ की देखती बनती है, बहुत सुंदर जगह है ये। यहाँ पे देखिए कल के भंडारे की तैयारी पूर्ण रूप से यहाँ पे हो चुकी है। माता रानी का जो भंडारा है कल के दिन हनुमान जयंती देखते हैं कि माता रानी की झांकी भंडारे का ये दिन है। लोग कितनी श्रद्धा से माता रानी का दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। थालियों से भर भर कर फूल पकवान मेवे सब लाके माता रानी को चढ़ा रहे हैं। बहुत अटूट विश्वास श्रद्धा के साथ माताएं बहनें सब लोग माता रानी का दर्शन कर रही हैं। बहुत सुंदर फूलों के द्वारा सजाया गया है और यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग हैं बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की है। कम से कम यहाँ पे जो हमारे मान्यवर लोग हैं वो भी उपस्थित हो चुके हैं, सबका सम्मान भी हो रहा है यहाँ पे। और भंडारे के लिए कम से कम कुछ नहीं होगा 3 से 3.5-4 हज़ार आदमी यहाँ पे माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ। बहुत ही विश्वास है लोगों में इनके प्रति और अटूट श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पे आते हैं और उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था आपके साथ होना चाहिए। माताएं बहनें सब यहाँ पर बैठी हुई हैं और सहयोग के लिए ये सब लोग हरदम तत्पर रहते हैं। पूरी परिवार यहाँ के एक एक व्यक्ति हर तरफ से अपना सहयोग प्रदान करता है। माता रानी के प्रसाद में इतना दम है, इतना जोश है, इतना खरोश है कि लोग यहाँ पर इंतज़ार करते हैं इस दिन के लिए। माता की धुनी भी यहाँ पे होम भी हो चुका है और पवित्र धुनी का सब लोग दर्शन कर रहे हैं। कितनी सुंदर यहाँ पे रंगोली निकाली गई है उसका भी लोग लाभ उठा रहे हैं और होम का जो यहाँ पे वहाँ से निकली हुई भभूति है लोग उसको संजो के रखते हैं अपने घरों में। बहुत श्रद्धा के साथ लोग तारा देवी मंदिर का दर्शन करने आते हैं, अपने परिवार के साथ संपूर्ण प्रसाद लेते हैं। त्याचप्रमाणे आदरणीय प्रेमजी साकला यांचं या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे। प्रसाद में इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब आप प्रसाद को माता रानी को समर्पित करके ग्रहण करेंगे, यहाँ पे भंडारा का लाभ उठाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि माता रानी के प्रसाद में कितनी बड़ी शक्ति है। और दोस्तों यहाँ पे माताएं बहनें इतनी श्रद्धा के साथ माता रानी का प्रसाद लेती हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत ही सुंदर लगता है। और उससे सुंदर ये लगता है यहाँ के जो कार्यक्रम करने वाले लोग हैं बहुत ही व्यवस्था के साथ लोगों को माता रानी का प्रसाद देते हैं और वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं लोग। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है, मैं भूरी भूरी उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ इतनी अच्छी व्यवस्था की। कौन भाई आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, पीछे जय माता दी, जय माता दी। लोग जय माता जी की यहाँ पे उद्घोषणा करते हुए अपने बाल बच्चों के साथ माता रानी का प्रसाद लेते हैं। बहुत लंबी कतार है यहाँ पे और व्यवस्था ही उतनी सुंदर है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि कम से कम जितने लोगों ने प्रसाद लिया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता।